दिल्ली के सबसे बेहतरीन गलावटी कबाब की बात की जाएगी तो जाकिर नगर के लखनवी गलावटी कबाब का नाम सबसे ऊपर आएगा। और अगर आपने यहाँ के मुंह में घुल जाने वाले गलावटी कबाब नहीं खाए तो गलावटी कबाब अभी आपने खाए ही नहीं। सूरज की रोशनी मध्यम होते ही जाकिर नगर की शाम जगने लगी। उठते हुए धुएं ने दावत देनी शुरू कर दी और मानो भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा इस शाम का लुत्फ लेने के लिए। और इस जश्न में शामिल होने के लिए मैं भी पहुंच गया जाकिर नगर। 18वीं शताब्दी में रियासत अवध के नवाब नवाब आसफुद्दौला ने अपनी बढ़ती हुई उम्र और गिरते हुए दांत की वजह से अपनी राजधानी लखनऊ में अवध के सबसे बेहतरीन खानसामों के बीच एक मुकाबला आयोजित किया और जायका तब्दील किए बगैर सबसे मुलायम कबाब बनाने की शर्त रखी। और इसी मुकाबले के नतीजे के तौर पे हिंदुस्तान को मिला ये बेहद लजीज मुंह में घुल जाने वाला गलावटी कबाब। जाकिर नगर की मेन रोड पे दाखिल होते ही मंजर माहौल और खुशबू का नायाब संगम देखने को मिला। थोड़ी दूर चलते ही इस दुकान से बे इंतहा धुआं और खुशबू उठ रही थी और यही लखनवी गलावटी कबाब की पहचान थी। 15 साल पुरानी इस तंग मगर खचाखच भरी दुकान के मुंह पे ही उल्टे हाथ पे उल्टे तवे का अवधी वर्की पराठा सेका जा रहा था और दूसरी तरफ एक तांबे के बड़े से कलाई वाले बर्तन में मुलायम कबाब सुर्ख किए जा रहे थे। धुएं से भरी इस छोटी सी दुकान में चिपकी हुई 4 टेबल्स बगैर रुके हजारों कबाब के शौकीनों को सुकून पहुंचा रही थी। इतनी भीड़ थी कि ना अंदर जाने की जगह थी और ना ही बाहर निकलने की। और इसी शोरगुल के बीच पीली फाइबर की प्लेट में गर्मा गर्म कबाब पराठे की प्लेट सजाकर बड़ी ही रफ्तार से परोसी जा रही थी। दुकान के पायदान पे खड़े होकर के उलटते पलटते कबाबों को देखकर ये सोच रहा था क्या वाकई ये दिल्ली के सबसे बेहतरीन गलावटी कबाब हैं या सिर्फ धुआं। इतने में दुकान के मालिक ने नरमी से आवाज लगाई, भाईजान रुकिए आपको आग वाला पराठा बना के दिखाते हैं। दिखते हुए लोहे के उल्टे तवे पे जैसे ही तेल छिड़का आग की छोटी छोटी लपटें तवे पे नाचने लगी। कारीगर ने बड़े ही हुनर से पतले से पराठे को हाथों पे उलट पलट के और पतला किया और बिजली की रफ्तार से तवे पे चिपका दिया और अगले ही पल एक डंडी के सहारे लगे कपड़े से पराठे के कई हिस्सों को तेल दिखा के पलट दिया और उल्टे हिस्से को एक कपड़े की गद्दी से बड़े हुनर से इस अंदाज में घिसना शुरू किया कि पराठे की नीचे की सतह गुलाबी और खस्ता हो जाए और निचला हिस्सा कुरकुरा होते ही परोसने के लिए ये तैयार अवधि वर्की पराठा उछाल दिया। वर्की पराठा इसको इसके बेहद पतले और कागज नुमा परत की वजह से कहते हैं। दूसरे काउंटर पे गलावटी बनाने के लिए बारीक कीमे में पिसा हुआ कच्चा पपीता और मसाला लगाने के बाद कई घंटे हाथों से घिस घिस कर कीमे के रेशे तोड़े जाते हैं तो कहीं जाकर के इस नाजुक कबाब में जादू पैदा होता है। इसी कीमे को बड़ी सी कलाई वाली तांबे की परात नुमा तवे पे एक के बगल में एक कबाब को सजाकर धीमी आंच पे गुलाबी सुर्ख होने तक दोनों परतें सेकी जाती हैं। भूख से बेचैन होकर के मैंने एक प्लेट मटन गलावटी और एक प्लेट चिकन गलावटी कबाब की ऑर्डर कर दी। वेटर ने एक पीली सी फाइबर प्लेट में 4 सुर्ख गलावटी कबाब लगाए और बगल में रखी लच्छेदार बारीक प्याज और उसके ऊपर डाली हरी धनिए के साथ अपनी हरी मिर्च की चटनी और एक गरम कुरकुरे पराठे के साथ मेरी तरफ बढ़ा दी। भाई टेबल तो मिलने से रही इसलिए बाहर ही खड़े होके खाने का फैसला किया। अब चख के देखता हूँ इनका जायका कैसा है। पराठा तो हाथ के इशारे से ही टूट गया। मैंने आधे कबाब का एक बड़ा सा नेवाला बनाया। जबरदस्त कबाब और पराठे का ये मेल बेमिसाल है। दोनों मुंह में फौरन घुल गए। मसाला बहुत बैलेंस्ड है और बहुत सोंधा भी। इतने में मेरी चिकन गलावटी की प्लेट भी आ गई। अब लेता हूँ चिकन गलावटी का जायका। वाह ये भी बहुत जबरदस्त है। ये मानो कबाब नहीं मक्खन है। और वाकई अब मैं कह सकता हूँ दिल्ली के सबसे बेहतरीन गलावटी कबाब की बात की जाएगी तो लखनऊ गलावटी कबाब का नाम
सबसे ऊपर आएगा।